हाँ भाई, ये ऑनलाइन वाले बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपकी तो पहले गुड मॉर्निंग कर ली ना आते ही। अरे लॉग आउट करो, लॉग आउट। यही वाले यही लॉग इन कर रहे हैं, बताओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, ये फोकट जो ये 34 लोग हैं, इसमें 40 सही बैठे हैं क्लास में। दोनों लॉग आउट करो, तुम दोनों। 34 में से गुड फीलिंग ही फीलिंग है मेरे पास। ओके, सभी को आवाज आ रही है मेरी? ऑनलाइन वाले बच्चों को सभी को आवाज आ रही है? वीडियो क्लियर है? अगर ऑडियो क्लियर है तो लिखिए ऑडियो क्लियर, वीडियो क्लियर लिखिए वीडियो क्लियर। अपनी कॉपी में लिखिए, है ना? ये फिर एक शुरू हो गया, आज आवाज नहीं आ रही सर। ओके, नोट्स दिखाई, नोट्स में कहां तक पहुंच गए थे? क्वेश्चन दिया था एक, वो क्वेश्चन किया थोड़ी, ये क्यों नहीं कर रखा है तुमने? क्यों पढ़ाई नहीं की कल तुमने? अरे तो घर बैठो ना तुम, तो पागल हो गया? यहाँ ही इधर बैठो कोने में जाके उधर। भैया बीमार बीमार हो तो घर रहो, नाक अंदर कर लो। बड़ी नाक है ना, इसलिए ज्यादा अंदर हो नहीं पाती। ये लंबी नाक वाले परेशान ही रहते हैं। ये लास्ट एक क्वेश्चन दिया था बस होमवर्क में, कर थोड़ी पाते हैं आप लोग। 156 ग्राम पोटेशियम की अभिक्रिया 300 केल्विन ताप पर खुले पात्र में H2O से कराई गई। पोटेशियम की रिएक्शन कराओ ट्वाइस ऑफ पोटेशियम प्लस ट्वाइस ऑफ H2O, ये बनाएगा ट्वाइस ऑफ KOH प्लस H2। ये सॉलिड ले लेंगे, ये लिक्विड ले लेंगे, और ये भी लिक्विड ले लेंगे, और ये लिक्विड इसको सॉलिड ले लो, KOH सॉलिड, और ये बन जाएगा H2 गैस। ठीक है, और उससे फर्क नहीं पड़ता, गैस नहीं है बस अपने को ये पता। ठीक है, आगे देखो, पोटेशियम के मोल कितने हो जाएंगे? 156, 39, चार मोल आ गए। अब एक बात बताओ, अगर ये चार मोल, बताओ H2 गैस कितना बनेगा? दो मोल बनेगा ना, बाकी सब तो सॉलिड है, केवल H2 गैस बनेगा। दो मोल बताओ, रिएक्शन में डेल्टा एनजी कितना आ गया? +2, कितना हो जाएगा? +2। ये नहीं गिनेंगे, ये नहीं गिनेंगे, ये नहीं गिनेंगे, केवल H2 गिनेंगे, दो मोल। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? माइनस डेल्टा एनजी आरटी। किस में निकालना है, किसके पदों में निकालना है? जूल में निकालना है, तो -2, आर का मान 2, और तापमान कितना हो जाएगा जो जूल में निकालना है ना, तो ये 8.314 इंटू तापमान दे रखा है 300। इसे 25/3 भी तो मान सकते हैं। कितना आया आंसर? -5000 जूल आया क्या? कितने लोगों का आंसर मैच कर रहा है? आपको केवल केमिकल रिएक्शन करवानी थी, बाकी सब कहानी सिंपल है। ठीक है, यहां तक अपनी बात हो गई थी। ओके, हाँ नहीं करेंगे ना, ये सॉलिड है, लिक्विड है, सॉलिड है, केवल गैस लेंगे ना, गैस में केवल ये है, इसी को लेंगे केवल। जी का मतलब गैस ही तो होता है, गाना थोड़ी होता है। ठीक है, हेडिंग लिखो सब लोग, स्वतः तथा अस्वतः प्रकरण।
स्वतः तथा अस्वतः प्रक्रम। खाने के अलावा कोई बात नहीं करती हो क्या दोनों? क्या बोल रही है? टिफिन में आज एक ही पराठा है, पर तुम भूखी मर गई होगी आज तो। छह की जगह एक पराठा खाने वाले इंसान को तो बहुत सांस आ रही नहीं आ रही तुमको? ग्लूकोज तो कम नहीं हो रहा है? ड्रिप लगवाएं? सबसे आगे बैठी तो खाने की बात कर रही हूँ। हाँ तो दो मोल से कितना बनता है? एक। तो चार से कितना बनेगा? एक बटे दो इंटू चार, तो ही तो बनेगा ना, तो ही तो लिखा है। तो वहां पे डेल्टा एनजी एक कब होगा? जब पोटेशियम के दो मोल क्रिया करेगी ना। दो मोल जब ये क्रिया करता है इसके दो मोल से, तो ये दो मोल बनता है, एक मोल बनता है। चार मोल है तो दो मोल बनेगा। ठीक है, सीधे बैठो, ध्यान से सुनो, है ना, जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। ठीक है, आपने फर्स्ट लॉ पढ़ा, फर्स्ट लॉ ने आपको डेल्टा ई दिया। डेल्टा ई में दर्द रहा, आपको मजा नहीं आया, तो आपने फिर क्या लिया? डेल्टा एच। डेल्टा एच है हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये टर्म ज्यादा पॉपुलर हो गई। अब जब आप थर्मोडायनेमिक्स में आगे बढ़ने लगे तो आपकी महत्वाकांक्षाएं, आपकी इच्छाएं जागने लगी। आपने कहा कि केवल ये नहीं जानना है कि भाई ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो डेल्टा एच का वैल्यू दे रखा है मान लो -50 किलो जूल। इसका मतलब जब ये रिएक्शन होगी तो -50 किलो जूल, मतलब 50 किलो जूल ऊष्मा उत्सर्जित होगी। केवल ये नहीं जानना है हमको, इससे आगे की जानकारी चाहिए हमको। केवल ये नहीं बताना है कि ये रिएक्शन होती है तो इतनी ऊष्मा निकलती है, हमको ये बताना है, ये जानना है कि बिना रिएक्शन करवाए ही बता पाए कि रिएक्शन होगी कि नहीं। यानी दी गई अवस्थाओं पे, दिए गए टेम्परेचर पे, दिए गए प्रेशर पे, दी गई कंडीशन पे, क्या ये रिएक्शन घटित होगी कि नहीं। यानी अब हम बताना चाह रहे हैं कि क्या दी गई अभिक्रिया स्वतः है या अस्वतः। तो पहले मतलब समझते हैं स्वतः का और अस्वतः। कोई भी प्रक्रम स्वतः होता है, इसका मतलब ऐसा प्रक्रम जिसको बस आप प्रॉपर कंडीशन दे दें, हो अपने आप जाए, वो करवाने के लिए कुछ नहीं करना पड़े। और अस्वतः प्रक्रम ऐसा, कोई भी कंडीशन दे दे, अपने आप नहीं होगा, लगातार उसको बाहरी सपोर्ट, एक्सटर्नल हेल्प की आवश्यकता हो। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, आपने आइस क्यूब लिया और कमरे में लाके रख दी, अपने आप पिघल जाएगा। यानी मेल्टिंग ऑफ आइस एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर बर्फ का पिघलना कैसा प्रक्रम है? स्वतः प्रक्रम है। ठीक है, आपको अलग से कोई गर्म करने की जरूरत नहीं है, आप केवल लाके रखेंगे, पिघल अपने आप जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो इस कमरे में, इस कोने पे किसी ने कुछ डीओ स्प्रे किया, रूम फ्रेशनर स्प्रे किया, इस कोने में स्प्रे किया है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, फैन चलाने की भी जरूरत नहीं, कुछ देर बाद उसकी स्मेल पूरे कमरे में फैल जाएगी। मिक्सिंग ऑफ गैसेस एक स्वतः प्रक्रम है जो अपने आप होता है। कुछ स्वतः प्रक्रम ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अपने आप होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको एक बार शुरू करना पड़ता है, फिर वो अपने आप होते जाते हैं। एक बार बस इनिशिएट करना पड़ता है, एक बार चालू करना पड़ता है, एक बार धक्का देना पड़ता है। जैसे मान लो कोई साइकिल से बैठा है पहाड़ के ऊपर, एक बार धक्का देंगे तो फिर वो स्वतः ही नीचे आ जाएगा। यानी एक ऊपर से हाई लेवल से लो लेवल पे आना कैसा हो गया? स्वतः प्रक्रम। ठीक है, इसी की जगह मान लो मोमबत्ती है, अपने आप नहीं जलेगी, पर एक बार माचिस लगा देंगे तो फिर वो जलती चली जाएगी। यानी बर्निंग ऑफ कैंडल एक स्वतः प्रक्रम है जिसको इनिशिएट करना पड़ता है। जैसे कार या बाइक का इंजन है, उसमें पेट्रोल में आग जलती है तो इंजन चलता रहता है, तो इंजन का चलना एक स्वतः प्रक्रम है, पर एक बार गाड़ी में सेल्फ लगाना पड़ेगा, गाड़ी को ऑन करना पड़ेगा, इग्निशन देना पड़ेगा। एक बार जब डीजल या पेट्रोल इंजन के अंदर आग पकड़ लेगा
फिर आप कुछ मत करो तो भी गाड़ी 5 घंटे 6 घंटे जब तक उसमें पेट्रोल डीजल है तब तक चलती चली जाएगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सब हो गए स्वतः प्रक्रम, जिनको या तो बिल्कुल अपने आप होंगे या फिर एक बार शुरू करने के लिए स्टार्टिंग में थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी। मिक्सिंग ऑफ गैसेस, बर्फ का पिघलना, किसी भी पदार्थ का या चीज का ऊपर वाले लेवल से लो लेवल पे आना, ये सब कैसे प्रक्रम होंगे? स्वतः प्रक्रम होंगे। जैसे मान लो छत पे पानी की टंकी रखी हुई है और पानी निकालना है उसमें से, ठीक है, तो आपने क्या किया, छत पे चढ़े, पाइप का एक सिरा टंकी में डुबोया, एक नीचे फेंक दिया, फिर नीचे आए और जोर से पकड़ के उसको खींचा, ऐसे आ जाएगा पानी नीचे। यानी फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल कैसा हो गया? स्वतः प्रक्रम। इसी के जगह दूसरा केस देखो, पानी की टंकी है नीचे और पानी पहुंचाना है ऊपर, पाइप का एक सिरा नीचे टंकी में डाल दिया और दूसरा ऊपर ले गए, वहां से पकड़ के खींच रहे हैं, पानी ऊपर आएगा क्या? फेफड़े बाहर आ जाएंगे, पानी ऊपर नहीं आएगा, है ना? अगर आपको पानी को लो लेवल से हाई लेवल भेजना है तो कभी भी स्वतः प्रक्रम नहीं होगा, ठीक है। वो स्वतः प्रक्रम कब होगा? जब आप मोटर लगाएंगे उसके अंदर। और मोटर में भी ऐसे नहीं कि एक बार चालू करके बंद कर दो बस पानी को रास्ता पता लग गया अब जाता जाएगा, वैसा नहीं। जब तक आप लगातार बाहरी सहायता देंगे, जब तक कांस्टेंट एक्सटर्नल हेल्प मिलेगी, तब तक ये प्रक्रम चलेगा। मतलब जब तक की मोटर चलती रहेगी तब तक ही पानी नीचे से ऊपर जाएगा। मोटर बंद तो प्रक्रम भी बंद। समझ में आया कि नहीं है? तो प्रक्रम दो तरह के होते हैं, स्वतः और अस्वतः। स्वतः प्रक्रम वो जो बिना किसी सहायता के, बिना किसी शुरुआत किए अपने आप हो जाए, या फिर एक बार शुरुआत करने के बाद अपने आप हो जाए, उनको बोलते हैं स्वतः प्रक्रम। अस्वतः प्रक्रम जो बिना बाहरी सहायता के हो ही नहीं सकते, जिनको लगातार बाहरी सहायता की जरूरत पड़ती है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब सवाल ये है कि कैसे पहचाने कि कोई प्रक्रम स्वतः है कि अस्वतः है? कोई तरीका तो होगा। तो क्या किया, दुनिया भर के महान महान साइंटिस्ट लोग जो है वो इकट्ठे किए गए। जैसे मान लो आप सब फिलहाल के लिए महान साइंटिस्ट है, लॉकडाउन लगा हुआ है तो कुछ साइंटिस्ट हमारे ऑनलाइन भी हैं, ऑनलाइन मार्गदर्शन दे रहे हैं हमारा, ठीक है, और मिलके डिस्कशन किया जा रहा है कि भी कैसे ये कोई ऐसा पैरामीटर, कोई ऐसी कंडीशन तय करो कि ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो प्रोसेस स्वतः है और सेटिस्फाई नहीं होती तो प्रोसेस अस्वतः है। किसी एक हमारे युगांडा के साइंटिस्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई हमको। बताइए क्या बताना चाह रही हैं आप, उनकी लैंग्वेज में बता रही है, मैं समझ गया उसको। अंग्रेजी में अनुवाद कर देता हूँ, मतलब हिंदी में अनुवाद कर देता हूँ, ठीक है। उनका ये कहना है कि भाई सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं अपन, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं, तो वहां बोल देते हैं भाई कि एक ही रिएक्शन में अलग अलग उत्पाद संभव है, हम कौन सा उत्पाद चुनते हैं जो सबसे स्टेबल होता है? सबसे स्टेबल यानी मेरे हिसाब से सर स्टेबिलिटी ही एकमात्र क्राइटेरिया होना चाहिए किसी प्रक्रम के स्वतः होने का। यानी कोई प्रक्रम तब होगा जब वो लेस स्टेबल कंडीशन से मोर स्टेबल कंडीशन पे जाएगा। और सर हम ये भी जानते हैं कि एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम और एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई प्रक्रम एक्सोथर्मिक है, यानी जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, एनर्जी का उत्सर्जन होता है, तो उस प्रक्रम में सिस्टम की एनर्जी घटेगी। और एनर्जी का घटना मतलब स्टेबिलिटी का। तो जितने भी ऐसे ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम हैं वो सबके सब कैसे होने चाहिए? स्वतः। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऑल एक्सोथर्मिक प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस, सारे ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम जो है स्वतः है। सबने बहुत तालियां बजाई, ठीक है, और सबने बोला कि बात तो सही लग रही है। फिर एक और हमारे साथी जो है भूटान से आए थे, बहुत ही बड़े बड़े देशों से आए हैं सब लोग बात, है ना, तो ये भूटानीज में बोल रहे हैं, इनकी भी लैंग्वेज समझ के मैं हिंदी में समझा देता हूँ, है ना। तो ये कहना चाह रहे हैं कि सर मैं इनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है। क्या काउंटर लॉजिक दे रहे हैं ये समझना। ये कह रहे हैं कि सर जब आप आइस क्यूब को रूम टेम्परेचर पे लाके रखते हो तो बर्फ पिघलती है। बर्फ का पिघलना एक्सोथर्मिक नहीं, एंडोथर्मिक प्रोसेस। H2O के अणु आसपास से एनर्जी ले करके
पिघलते हैं, यानी बर्फ का पिघलना एक स्वतः प्रक्रम है, पर वो ऊष्मा क्षेप ही नहीं ऊष्मा शोषी है। अगर मैं यहाँ जमीन पे थोड़ा पानी गिरा दूं तो पानी का वाष्पीकरण होगा, वो वाष्पीकरण भी एंडोथर्मिक प्रोसेस और अपने आप होता है। पानी गिराएंगे तो अपने आप वाष्प बन जाएगी धीरे धीरे उसकी, धूप में कपड़े सूखते हैं ना, यानी वाष्पीकरण एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है फिर भी स्वतः है। तो इनकी बात उतनी लॉजिकल लग नहीं रही है क्योंकि अप्लाई नहीं हो रही। फिर उसने एक लॉजिक और दिया, अगर मान लो उस कमरे का पार्टीशन कर दिया जाए बिल्कुल बीचों बीच, इस वाले पार्टीशन में अमोनिया गैस भरी जाए 1 ATM प्रेशर, इस वाले पार्टीशन में हीलियम गैस भरी जाए 1 ATM प्रेशर पे, यानी दोनों जगह दाब समान है, और ये पार्टीशन हटा दिया जाए तो दोनों गैसें यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगी। मिक्सिंग ऑफ गैसेस, गैसों का मिक्स होना, ना तो ये एंडोथर्मिक है ना ही ये एक्सोथर्मिक है, फिर भी तो ये प्रोसेस तो स्वतः है और एनर्जी का लेना देना ही नहीं है। तो जो एनर्जी की बात बोल रहे हैं वो बात उतनी लॉजिकल मेरे को लगती, बोलो ना कितने लोगों को बात समझना है। तो उन्होंने बोला कि भाई एनर्जी अकेला क्राइटेरिया नहीं हो सकता। तो सबने फिर और डिस्कशन किया, और महत्वपूर्ण योगदान आए हमारे, कोई तालिबान से भी फ्रेंड हैं, कोई अफगानिस्तान से हैं, कोई पाकिस्तान से है, कोई श्रीलंका से हैं, कोई भूटान से हैं, कोई नेपाल से है, इंडिया से भी ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग जितनी भी कंट्रीज हैं जितने भी सिस्टम्स हैं सबसे लोग आए हुए, यूएसए से, यूके से भी ऐसी बात नहीं है, ठीक है, और अलग अलग कंट्री से लोग हैं, सबने मिलकर फिर निष्कर्ष निकाला कोई प्रक्रम स्वतः कब होगा। तो प्रक्रम के स्वतः होने के लिए दो कंडीशन बताएंगे, इसी प्रक्रम के स्वतः होने के लिए दो कंडीशन बताई गई। पहली कंडीशन क्या बताएगी, पहली कंडीशन बताई गई कि उस प्रक्रम में निकाय की एनर्जी कम होनी चाहिए, निकाय की ऊर्जा घटनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या बताएगी, दूसरी बताएगी निकाय की रैंडमनेस, यानी निकाय की अव्यवस्था, निकाय की अव्यवस्था बढ़नी चाहिए। तो ये दो पैरामीटर मिलके तय करेंगे कि प्रक्रम स्वतः है या नहीं, एक पैरामीटर नहीं दो पैरामीटर मिलके तय करेंगे कि वो प्रक्रम स्वतः है या नहीं। अकेला एक पैरामीटर कभी भी तय नहीं कर पाएगा। सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे, वेरी गुड। आगे देखिए जरा, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी प्रोसेस में निकाय की एनर्जी घटती है, तो एनर्जी वाला फैक्टर बोल रहा है कि प्रोसेस को स्वतः कर दो, और अगर रैंडमनेस बढ़ती है तो दोनों फैक्टर सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो प्रक्रम कंफर्म है। और अगर मान लो किसी प्रोसेस में निकाय की एनर्जी बढ़ रही है, यानी एनर्जी वाला फैक्टर सपोर्ट नहीं कर रहा है, मना कर रहा है, अपोज कर रहा है, और रैंडमनेस घट रही है तो ये भी मना करेगा, तो प्रक्रम कंफर्म कैसा होगा। और अगर मान लो एक सपोर्ट करता है एक अपोज करता है, या एक अपोज करता है एक सपोर्ट करता है, तो दोनों का मान निकाल के कंपेयर करके फिर बताएंगे कि कौन कितना प्रभावी है। अगर सपोर्ट वाला फैक्टर प्रभावी होगा तो स्वतः हो जाएगा, और विरोध वाला फैक्टर प्रभावी होगा तो फिर प्रक्रम कैसा हो जाएगा, अस्वतः। जैसे आइस क्यूब का एग्जाम्पल लो, जब आइस क्यूब पिघलता है ना तो आसपास से एनर्जी लेता है, एनर्जी ले रहा है, एनर्जी घटनी चाहिए थी पर एनर्जी, तो आइस क्यूब के पिघलने में एनर्जी वाला सपोर्ट फैक्टर बोलता है कि भैया नहीं पिघलना है, अपने पिघलने वाला प्रोसेस अपने लिए फायदेमंद, पर जैसे ही वो पिघलता है वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आता है। ठोस में एक ही जगह बैठना है, वहीं वाइब्रेट करना है, लिक्विड में पूरे द्रव में घुलना है, फैलना है। रैंडमनेस क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो रैंडमनेस वाला फैक्टर बोल रहा है कम ऑन डू इट, यही करना है आपने को, पिघलना है। तो थोड़ी सी एनर्जी ले करके थोड़ा सा नुकसान करके अगर ज्यादा फायदा हो रहा है तो वो प्रोसेस हो जाएगा, इसीलिए रूम टेम्परेचर पे आइस क्यूब पिघलता है। कितने लोगों को बात समझना है, वेरी गुड। तो कॉपी में हेडिंग लिखो स्वतः तथा अस्वतः प्रक्रम, और इसमें स्टेटमेंट लिखो किसी प्रक्रम के स्वतः किसी प्रक्रम के स्वतः या अस्वतः
होने को तय करने के लिए, होने को स्वतः या अस्वतः होने को तय करने के लिए दो पैरामीटर हैं। पहला लिखिए निकाय की ऊर्जा का घटना, निकाय की ऊर्जा का घटना। दूसरा लिखिए अव्यवस्था यानी रैंडमनेस का बढ़ना, रैंडमनेस का बढ़ना। अब आगे देखिए, ऊर्जा के बारे में तो आप काफी विस्तार से कई बार बात कर चुके हैं। एनर्जी को चेक करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हमने डेल्टा एच एक फैक्टर की खूब सारी स्टडी कर रखी है। नई चीज हमारे लिए क्या है? रैंडमनेस, अव्यवस्था हम पहली बार देख, इस टॉपिक के बारे में हमने चर्चा नहीं करी। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम रैंडमनेस के बारे में बात करेंगे। जब रैंडमनेस हमको समझ में आ जाएगी तो वापस आएंगे किसी प्रक्रम को स्वतः या अस्वतः जानने की। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये स्वतः और अस्वतः की कहानी फिलहाल रोक रहे हैं। फिलहाल किसकी चर्चा की जाएगी? पहले एनर्जी के बारे में तो पता है ना आपको, क्वेश्चन वेश्चन सब कर लिया आपने। नई चीज क्या है आपके लिए? रैंडमनेस। तो पहले इस रैंडमनेस को समझने की कोशिश करते हैं, क्या होती है, कैसे नापी जाती है, कौन सी टर्म है इसके लिए, और फिर वापस किसी प्रक्रम को स्वतः या अस्वतः निर्धारित करने के लिए आएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे रैंडमनेस के बारे में। पहले रैंडमनेस की फील ले, तो समझ लो रैंडमनेस होती क्या है। किसी भी निकाय में रैंडमनेस मतलब उसका बिखरापन। जब कोई निकाय सिस्टमेटिक होता है, ठीक है, जैसे अपने घर होते हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक निकाय है, तो उसमें रैंडमनेस कम होती है, स्टेबिलिटी कम होती है। और जब आप रूम में आ जाते हैं अपने, जहां आप रहते हैं अभी फिलहाल, ठीक है, अगर टेबल पे पढ़ाई करनी तो कपड़े उठा के बेड पे डाल दिए, और बेड पे सोना तो कपड़े उठा के टेबल पे डाल दिए, और कोई आ जाए तो नीचे जमीन पे। तो लड़कों की यह स्थिति रहती है कि जैसे शर्ट है ना, चार शर्ट है, दो शर्ट है अपने पास, पहले इसको दो दिन पहन लिया, अब इसको धोएंगे, धोने के लिए नीचे डाल दी कोने में कहीं जमीन पे, दो दिन दूसरी शर्ट पहन ली, वो धुली नहीं है, फिर पांचवें दिन दोनों कंपेयर कर रहे हैं, उसको जमीन से उठा लिया उसको वापस ऐसे, और कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सी कम गंदी है, उसी को डाल लिया, तो स्थिति खराब रहती है। पर वो स्थिति आपके लिए स्टेबल रहती है, कंफर्टेबल रहती है, अपने हिसाब से रूम में जैसे चाहे बिल्कुल रह सकते हैं। ठीक है, तो जब कोई सिस्टम सिस्टमेटिक होता है, व्यवस्थित होता है, तो उसमें रैंडमनेस कम होती है और उसकी स्टेबिलिटी भी कम होती है। ठीक है, अभी तो बच्चे दरवाजा खुलते हैं घर के बाहर भागते हैं, छोटा 2 साल का बच्चा भी होता है ना, तो गेट खुलते ही अंदर नहीं भागता, अंदर होता है सीधा आजादी के लिए बाहर ही भागता है, सीधा घर से बाहर, सीधा सीधे सड़क पे, कोई भी ले चलो बस यहां से निकाल के ले चलो, मोहल्ले में कोई भी गाड़ी का हॉर्न देते बच्चा गाड़ी में बैठ जाता, खट चलो यहां से निकाल लो बस हमको, क्योंकि इसमें रैंडमनेस कम है, हमको चाहिए रैंडमनेस, है ना। कोई भी सिस्टम जितना ज्यादा रैंडम होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा है। जैसे मान लो आप सब बैठे हैं, रोल नंबर वाइज बैठने को बोल दिया जाए कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे बैठना है, तो 8 नंबर के बच्चे को मान लो यहीं बैठना है, तो वो 8 नंबर का बच्चा उतना खुश नहीं है क्योंकि उसके फ्रेंड्स कहीं और बैठे हैं, वो कहीं और बैठा है। इसी की जगह जब आप अभी जैसे बैठे हुए हैं, अपने फ्रेंड सर्कल के हिसाब से बैठे हुए हैं, तो ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा है ना। अभी रैंडमनेस थोड़ी सी आ गई है तो आप में स्टेबिलिटी भी आ गई है, आपका टाइम आसानी से कट जाता है, नहीं तो ये क्लास जहर लगना शुरू हो जाए फिर, है ना। और रैंडमनेस आएगी जब घंटी बजेगी तो आप ब्रेक में बाहर पहुंच जाते हैं, तो आपकी रैंडमनेस और बढ़ जाती है। वो 10 नंबर वाला बच्चा पहले यहीं बैठ रहा था, अगर रोल नंबर वाइज बिठाए तो, रोल नंबर वाइज नहीं बैठ रहे तो वो यहाँ की जगह कमरे में कहीं भी हो सकता है, ब्रेक में देखोगे तो फ्लोर पे कहीं भी हो सकता है। और आपकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा कब बढ़ जाती है? जब छुट्टी होती है, तो आप इस बिल्डिंग में कहीं भी हो सकते हैं, आप इस पूरे शहर में कहीं भी हो सकते हैं। रैंडमनेस क्या हो गई? और बढ़ गई। जो सिस्टम जितना अधिक रैंडम होगा उतना स्टेबल। मान लो H2O सॉलिड बर्फ है, -100 डिग्री सेल्सियस, इस तापमान पर जो बर्फ का अणु होगा H2O सॉलिड जो होगा
उसका टेम्परेचर बहुत लो है तो बहुत धीरे धीरे अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहा है। टेम्परेचर बढ़ाया, बढ़ाते बढ़ाते 0 डिग्री सेल्सियस पे ले गए H2O सॉलिड। अब 0 डिग्री सेल्सियस मतलब पिघलने ही वाला है, थोड़ी सी हीट मिलेगी तो लिक्विड में आ जाएगा। तो H2O सॉलिड बर्फ के अणु 0 डिग्री सेल्सियस पर एक दूसरे टकरा रहे हैं, जोर जोर से धक्का मार रहे हैं एक दूसरे को। अभी पिघलेगी, अभी पिघलेगी, थोड़ी सी हीट मिलते ही वो कहाँ पहुंच जाएगा, H2O सॉलिड से H2O, और लिक्विड में आते पूरे पानी में दौड़ लगा रहा है, जल क्रीड़ाएं कर रहा है। ठीक है, रैंडमनेस क्या होगी उसकी और बढ़ गई। अब वो H2O 0 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड था, उसकी जगह पहुंचा दिया 90 डिग्री सेल्सियस लिक्विड पर। 90 पर काइनेटिक एनर्जी और बढ़ गई, रैंडमनेस और तेजी से घूम रहे, उड़ने ही वाले हैं, अभी उड़ने ही वाले हैं ना। जैसे ही तापमान 101 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, द्रव से वो वाष्प में चले गए। वो पूरे कमरे में कहीं भी हो सकते, पूरे पात्र में कहीं भी हो सकते, खुला पात्र है तो इस पूरे कमरे में कहीं भी हो सकते हैं, दरवाजा खुला है तो इस बिल्डिंग में कहीं भी हो सकते हैं, हो सकता है किसी की कार में बैठ के घर चले जाए, उसके बस में बैठ के जयपुर चले जाए, एयरपोर्ट फ्लाइट में बैठ के यूके यूएसए चले जाए, है ना। रैंडमनेस लगातार बढ़ती जा रही है, तो जो सिस्टम जितना ज्यादा रैंडम होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। जैसे आप जब रूम पे जाते हैं, अपने घर वाले रूम पे जाते हैं, घर पे अपने, तो शूज यहाँ रखने हैं, बैग यहाँ रखना है, ड्रेस यहाँ टांगनी है ना। और जब यहाँ रूम पे जाते हैं अपने, ये इधर उधर बैग की चक्री बनाई पंखे पे, जैकेट को ऐसे हवा में घुमा के अलमारी के ऊपर, सुबह बैग चाहिए तो पंखा चला रहे हैं कि गिर जाए बैग। तो यहाँ रैंडमनेस बहुत ज्यादा है तो स्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। तो आपको ये बात समझनी है, जो फील लेनी है रैंडमनेस की, वो क्या है कि जो निकाय जितना ज्यादा रैंडम होगा ना, उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। मोर रैंडमनेस मोर स्टेबिलिटी। बात क्लियर है कि नहीं है। अब जैसे ऊर्जा का मापन करने के लिए, ऊर्जा को मेजर करने के लिए, एनर्जी को मेजर करने के लिए आपने एंथैल्पी नाम की टर्म बनाई। क्या बनाई? एंथैल्पी नाम की टर्म बनाई। अब रैंडमनेस को यानी अव्यवस्था को मेजर करने के लिए टर्म बनाई जिसका नाम है एंट्रोपी। एंट्रोपी, और इसको दर्शाते हैं कैपिटल S। ठीक है, और एंट्रोपी बेसिकली किसी भी निकाय की अव्यवस्था को नाप रही है। यानी जितना निकाय में अव्यवस्था ज्यादा होगी, उस निकाय की एंट्रोपी का मान भी उतना ही हायर, द वैल्यू ऑफ रैंडमनेस हायर विल बी एंट्रोपी। यानी किसी भी निकाय की एब्सोल्यूट अव्यवस्था यानी कुल अव्यवस्था कितनी है, वो एंट्रोपी के पदों में लिखी जाएगी। और जितनी अव्यवस्था ज्यादा होगी, एंट्रोपी का मान उतना ही, यानी अगर दो निकाय हैं, इसका एस बड़ा आ रहा है, तो इस निकाय की अव्यवस्था भी ज्यादा होगी। क्लियर है कि नहीं है? अरे बोलो ना। वेरी गुड, यानी अव्यवस्था नापने के लिए टर्म बनाई एंट्रोपी। अब जैसे आपने उसके लिए कहा था, किसके लिए? ई और एच के लिए, कि वो स्टेट फंक्शन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वैसे ही एंट्रोपी भी स्टेट फंक्शन है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसा आपने ई और एच के लिए कहा था कि उसका वास्तविक मान ज्ञात नहीं कर सकते, वैसा एंट्रोपी के लिए नहीं बोलते। आप एंट्रोपी का वास्तविक मान ज्ञात कर सकते हैं, इसी पर तो थर्ड लॉ बेस्ड है। अभी जो पढ़ा है उससे नहीं कर सकते, पर आगे जब तीसरा नियम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स का, तो यही जानेंगे कि हम किसी निकाय की एंट्रोपी का वास्तविक मान ज्ञात कर सकते हैं। ई और एच का तो नहीं कर सकते आज भी, पर एंट्रोपी का ज्ञात कर सकते। क्लियर है कि नहीं है? अब जैसे एंट्रोपी की मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो उसको समझने की कोशिश करें। फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। वैसे एंट्रोपी का मैथमेटिकल फॉर्म है डेल्टा एस बराबर क्यू रिवर्सिबल बाय टी। किसी निकाय को समतापीय उत्क्रमणीय प्रक्रम में दी गई ऊष्मा, समतापीय उत्क्रमणीय प्रक्रम में दी गई ऊष्मा डिवाइडेड बाय जिस तापमान पर वो ऊष्मा दी गई,
समझ आया कि नहीं है? फिर से रिपीट करो, क्या बोला मैंने? किसी निकाय को समतापीय उत्क्रमणीय प्रक्रम में दी गई ऊष्मा डिवाइडेड बाय जिस तापमान पर ऊष्मा दी गई है, समझ आया कि नहीं है? उस अनुपात को ही क्या बोलते हैं? डेल्टा एस, एंट्रोपी परिवर्तन। ठीक है, पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि क्यों ऊपर क्यों आए। निकाय को हीट मिलेगी तो रैंडमनेस बढ़ेगी कि घटेगी? ऊष्मा मिलेगी मतलब ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी तो जो भी पार्टिकल की अवस्था है उसमें उसकी एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो रैंडमनेस भी, इसलिए क्यों आया ऊपर। और ऐसा बोलते हैं कि जब रिवर्सिबल हीट मिलती है तो ज्यादा उसका प्रभाव पड़ता है, तो क्यों रिवर्सिबल? और डिवाइड किससे किया है, ये टेम्परेचर से क्यों डिवाइड किया है ये समझना। मान लो किसी कंपनी में दो कर्मचारी हैं, ठीक है, और एक की सैलरी है महीने की 10,000 रुपये और एक की सैलरी है महीने की 1,00,000 रुपये, ठीक है, और दोनों को दिवाली का बोनस आया 20,000 रुपये। तो जिसकी महीने की 10,000 रुपये सैलरी है उसको अगर 20,000 बोनस आता है तो खुशी का ठिकाना नहीं, 2 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा मिल गई। उतना ही एग्जैक्ट पैसा 1,00,000 रुपये महीने वाले को मिलता है तो वो उतना खुश क्यों नहीं है? क्योंकि उसको 1 महीने की सैलरी भी नहीं मिली, 1 महीने की सैलरी का भी 5वां हिस्सा मिला, बोल रहा है क्या बोनस है, बोनस है क्या है? यानी पैसा ही उतना है पर उसका प्रभाव दो लोगों पे अलग अलग। ऐसे ही यहां देखो, आपके पास दो निकाय हैं, एक निकाय का तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस और एक निकाय का तापमान है 100 डिग्री सेल्सियस। इस निकाय को आपने 10 जूल हीट दिया, इस निकाय को भी आपने 10 जूल हीट दिया, ठीक है। अब क्योंकि ऊष्मा मिल रही है तो एंट्रोपी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं, हीट मिलेगी तो एंट्रोपी, और ज्यादा मजा किसको आएगा, ज्यादा एंट्रोपी किसकी बढ़ेगी? इसकी एंट्रोपी खुद की पहले इतनी तो 10 जूल हीट से ज्यादा बढ़ेगी, इसकी पहले से ही बहुत ज्यादा थी तो 10 जूल हीट मिलने से थोड़ा ही बढ़ेगी। नहीं आया समझ? यानी जिसकी एंट्रोपी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है उसके लिए 10 जूल हीट से कोई विशेष चेंज आने वाला, एंट्रोपी तो बढ़ेगी, थोड़ी सी बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी ज्यादा बढ़ेगी। कई बच्चे क्या निष्कर्ष निकाल देते हैं कि तापमान बढ़ने पर एंट्रोपी घटती है, ये गलत बात है, एंट्रोपी नहीं है, चेंज इन एंट्रोपी है। यानी तापमान जितना ज्यादा होगा चेंज इन एंट्रोपी उतना ही, यानी एंट्रोपी इसकी भी बढ़ी और इसकी भी बढ़ी, पर इसकी एंट्रोपी कितने से बढ़ी? ज्यादा बढ़ी। एंट्रोपी इसकी भी बढ़ी, थोड़ी ही बढ़ी। कितने लोगों को बात समझ में आई? वेरी गुड। यानी तापमान बढ़ेगा तो एंट्रोपी तो बढ़ेगी, हीट मिलेगी तो एंट्रोपी तो बढ़ेगी, पर किसी हाई टेम्परेचर वाली बॉडी को अगर हीट देंगे और किसी लो टेम्परेचर वाली बॉडी को हीट देंगे तो हाई टेम्परेचर वाली पे उस हीट का प्रभाव थोड़ा और हाई टेम्परेचर वाली पे ज्यादा प्रभाव होगा। कितने लोगों को बात समझ में आई? बहुत ही बढ़िया, ठीक है, उल्टा बोल दिया गया मैंने। लो टेम्परेचर वाली पे प्रभाव ज्यादा होगा और हाई टेम्परेचर वाली पर कम होगा। क्लियर है कि नहीं है? डाउट है किसी को उसमें? तो ये ध्यान रखना, आगे मत सोचना कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी घटेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो चेंज इन एंट्रोपी कम होगा, मतलब हाई टेम्परेचर वाले को उसी का इफेक्ट कम मिलेगा, लो टेम्परेचर वाले को उसी हीट का इफेक्ट ज्यादा मिलेगा। क्लियर है कि नहीं है? हम एंट्रोपी का चेंज कैसे निकालेंगे? डेल्टा एस। हम एंट्रोपी का चेंज निकालेंगे S2 - S1, या लिख सकते हैं S final - और अगर केमिकल रिएक्शन है, बोर्ड पे देखो केमिकल रिएक्शन है तो लिख सकते हैं सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स। क्लियर है कि नहीं है? वेरी गुड। अच्छा, एंट्रोपी कैलकुलेशन का एक जनरल फॉर्मूला है अपने पास, NCV ln T2 by T1 plus NR ln V2 by V1, ठीक है, NCV ln T2 by T1 plus NR ln V2 by V1, ठीक है।
ये फॉर्मूला है और इसका डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ, मॉड्यूल में भी नहीं दे रखा। 3-4 साल पहले तक कराते थे, 3-4 साल से डेरिवेशन कोई क्लास में नहीं करा, केवल मैं ही नहीं कोई भी क्लास में नहीं करा। सीधा फॉर्मूला ही बताते हैं कि फॉर्मूला क्या है, एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। इसी फॉर्मूले की एक और फॉर्म बन जाती है, एक और फॉर्म क्या है, सी वी की जगह पर आ जाएगा सी पी, तो एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन। अब सी पी आ चुका है तो पी वन बाय पी टू। क्लियर है कि नहीं है, एक बार रिपीट करो फॉर्मूला क्या है, एन सी वी पहले वाला ही बोलना है केवल, एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। एक बार वहां मत देखो, इधर देखो, रिपीट करो, एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी। एक बार और, एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। एक आखिरी बार और, क्लियर है कि नहीं है, वेरी गुड, ऐसा ठीक है। एक बार इसको बिना देखे लिख लो गई रफ में, अभी गर्मा गर्म है तो याद हो जाएगा। नहीं याद हो रहा है क्या, एक बार घर पे और लिख के देखेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, है ना। अब बोर्ड पे देखो, ये जनरलाइज फॉर्मूला हो गया, इसी फॉर्मूले की अलग अलग फॉर्म बन जाएगी अलग अलग केसेस में। सबसे पहले आइसोथर्मल, अगर आइसोथर्मल बोला है तो ये टर्म क्या हो जाएगी, केवल क्या बचेगा बताओ, एन आर एल एन वी टू बाय वी वन, या फिर नीचे वाली टर्म लिखते हैं एन आर एल एन पी वन बाय पी टू। क्लियर है कि नहीं है, ये प्रोसेस हो गया आइसोथर्मल, कैसा हो गया आइसोथर्मल, क्लियर है कि नहीं है। अब बताओ, अच्छा इसको एल एन की जगह लॉग में कैसे चेंज करोगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2.303 से। आइसोकोरिक की बात करें बताओ कैसे लिखेंगे, डेल्टा एस बराबर आइसोकोरिक है तो ये वाला फॉर्मूला उठा लेंगे, क्या बन जाएगा एन सी वी एल एन टी टू बाय टी वन, और अगर आइसोबारिक है तो क्या बन जाएगा एन सी पी एल एन टी टू बाय टी वन। ये अलग बहुत सारे फॉर्मूले है कि केवल एक फॉर्मूला है, केवल एक फॉर्मूला है, उसमें सी वी की जगह पर सी पी आ जाएगा तो वी टू बाय वी वन की जगह पर P1 by P2, isothermal होगा तो ये फॉर्म बन जाएगी isobaric में, isochoric में ये और isobaric में ये। अच्छा इसमें आखिरी आता है reversible adiabatic, अगर ये reversible adiabatic हो जाएगा, reversible adiabatic में Q reversible क्या होता है, और adiabatic में Q zero और reversible adiabatic में Q reversible zero, Q reversible zero तो delta S भी zero। क्लियर है कि नहीं है, यहां तक किसी को डाउट है तो सर आगे देखिए। हम बात करेंगे फेस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, फेस चेंज के बारे में। देखो सर, भौतिक अवस्था परिवर्तन के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे फ्यूजन के बारे में, यानी गलन के बारे में। फ्यूजन या गलन क्या होता है, ये जब कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से, सारे केमिकल इक्विलिब्रियम, अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आता, ऐसा सामान्य तो होता है उस पदार्थ के बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर कितना होता है बीपी, बॉइलिंग पॉइंट, परी मेल्टिंग पॉइंट, तापमान क्या होता है उसका
मेल्टिंग पॉइंट, क्लियर है कि नहीं है? वेरी गुड। और प्रेशर कितना रखते हैं? 180। जनरली नियत तापमान और नियत दाब पर ऐसा होता है, यानी जनरली जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है। कैसा होता है? कांस्टेंट। अब गलन की एंट्रोपी चेंज, यानी मैं लिख रहा हूं डेल्टा एस फ्यूजन, क्या लिख रहा हूं मैं? डेल्टा एस फ्यूजन। गलन में एंट्रोपी चेंज कैसे निकालें? तो डेल्टा एस फ्यूजन लिखा, और डेल्टा एस का फॉर्मूला है क्या? क्यू बाई टी। तो यहां पर फ्यूजन है तो क्यू ऑफ फ्यूजन, यानी गलन की ऊष्मा अपॉन तापमान, तापमान कौन सा उसका? मेल्टिंग पॉइंट। अब बेटा एक गलन की ऊष्मा है और दाब नियत है, यानी इसको क्यूपी भी तो बोल सकते हैं, क्या बोल देते हैं? और नियत दाब पर ऊष्मा क्या बन जाती है? डेल्टा एच क्या बन जाती है? यहां से ऐसा कह सकते हैं कि डेल्टा एस, तो वो कोई बड़ी बात नहीं करी मैंने, डेल्टा एस होता है क्यू बाई टी, प्रोसेस है फ्यूजन का, गलन का, तो डेल्टा एस फ्यूजन क्या हो जाएगा? क्यू फ्यूजन बाई टी। और क्योंकि जनरली गलन या फ्यूजन या जो भी भौतिक अवस्था परिवर्तन होता है वो नियत दाब पर होता है, तो क्यू पी बन गया, और क्यू पी क्या होता है? डेल्टा एच। तो यहां से आ गया डेल्टा एस फ्यूजन बराबर डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी मेल्टिंग पॉइंट। नहीं आया समझ? कोई भी विशेष बात की नहीं की, बस एक सिंपल सा फॉर्मूला बना दिया, ठीक है? गलन की जगह मान लो अगर होता वाष्पीकरण, वेपराइजेशन, वाष्पीकरण में कहां से कहां जाते हैं? किसी पदार्थ की द्रव अवस्था से उसकी गैसीय अवस्था में जाते हैं, तो इसका जो एंट्रोपी चेंज आएगा उसे बोलेंगे डेल्टा एस वेपराइजेशन। फॉर्मूला गैस कर सकते हैं क्या आप लोग? क्या हो जाएगा बताइए? डेल्टा एच वेपराइजेशन। और तापमान कौन सा लेंगे इसका? बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा लेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। और बताओ सब्लिमेशन के लिए क्या हो जाएगा? सब्लिमेशन में कहां से कहां जाता है? कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में जाता है, यहां पर डेल्टा एस सब्लिमेशन क्या हो जाएगा? डेल्टा एच सब्लिमेशन अपॉन टी एस पी। क्लियर है कि नहीं? तीन अलग फॉर्मूले हैं कि एक ही फॉर्मूला है? एक ही फॉर्मूला है, तीन अलग अलग प्रोसेस के लिए तीन अलग अलग फॉर्मूले। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें केवल इतनी सी बात है कि डेल्टा एस होता है क्यू बाई टी, क्योंकि सामान्यतः प्रोसेस नियम दाब पर होते हैं, तो क्यू पी बन गया, मतलब डेल्टा एच लिखा गया वहां, और कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। आगे देखो, इस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे हम लोग आगे भी, है ना? इसके बाद देखो कुछ ऐसी बातें जिन पे थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है, सामान्य थ्योरी क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला किसी पदार्थ की ठोस अवस्था, उसी पदार्थ की द्रव अवस्था और उसी पदार्थ की गैसीय अवस्था, सबसे अधिक एंट्रोपी कहाँ होगी? गैस में। उससे कम और सबसे कम, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना, इसमें कुछ भी नया नहीं बताया। H2O सॉलिड अपनी जगह पर वाइब्रेट, H2O लिक्विड पूरे द्रव में घूम सकता है, H2O गैस पूरे पात्र में कहीं भी घूम सकता है। तो गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा, लिक्विड की कम, और सबसे कम किसकी? सॉलिड। क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट देखिए, उसके बाद अगर मान लो मैं तापमान बढ़ाता हूं, जैसे मैंने लिया H2O लिक्विड 10 डिग्री सेल्सियस पर और मैंने लिया H2O लिक्विड 90 डिग्री सेल्सियस पर, दोनों की एंट्रोपी कंपेयर करनी है। देखो दोनों की भौतिक अवस्थाएं सेम है, फिजिकल स्टेट चेंज नहीं कर रहा हूं, केवल तापमान बढ़ा रहा हूं। H2O लिक्विड 10 पर, H2O लिक्विड 90 पर, अधिक एंट्रोपी किसकी होगी? अरे लिक्विड, दोनों ही लिक्विड है, लिक्विड वाले की क्या बता रहे हो? लिक्विड वाले की ज्यादा होगी, 90 वाले की ज्यादा होगी ना, क्योंकि तापमान बढ़ेगा तो बेटा काइनेटिक एनर्जी भी तो रैंडमनेस भी तो तापमान बढ़ता है तो एंट्रोपी बढ़ती है कि घटती है? तापमान बढ़ता है तो एंट्रोपी बढ़ती है। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट देखो, अगर मैंने प्रेशर घटाया, प्रेशर कैसे घटाते हैं?
पिस्टन को कहाँ ले जाएंगे, नीचे की ऊपर? प्रेशर घटाने के लिए पिस्टन कहाँ जाएगा? और बेटा अगर पिस्टन ऊपर जाएगा तो अंदर का आयतन घटेगा कि अंदर का आयतन बढ़ जाएगा? अंदर का आयतन बढ़ जाएगा तो लोग पास पास की दूर दूर, रैंडमनेस बढ़ गई कि घट गई? तो प्रेशर घटेगा तो रैंडमनेस यानी एंट्रोपी जो है वो बढ़ेगी। क्लियर है कि नहीं है? आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो। इसमें सपोज एक बॉक्स है, एक डब्बा आया है और उस डब्बे में दो सामान भरे हैं। डब्बे की कमी थी तो एक ही डब्बे में दोनों सामान भरते। क्या भरा? नीचे भर दी दाल और ऊपर भर दिया चावल, ठीक है? अरे सूखे दाल और सूखे चावल, है ना, सब्जी या टाइप नहीं। तो दाल के पार्टिकल जो है वो ऐसे नीचे जमा रखे हैं, बढ़िया लेयर बना रखी है, और ऊपर एक लेयर जो है राइस के पार्टिकल्स से तैयार कर रखी है, ठीक है? अगर दोनों की जो सतह है उसको छोड़ दो तो हर दाल के पार्टिकल के पास कौन मिलेगा? दाल का पार्टिकल, और हर चावल के पार्टिकल के पास चावल का पार्टिकल। यानी सिस्टम सिस्टमैटिक है। डब्बे को पकड़ के किसी ने बढ़िया शेक कर दिया। अब दाल के पार्टिकल के पास क्या केवल दाल ही है कि चावल भी हो सकता है? चावल भी हो सकता है। तो अब पहले वाला सिस्टम रैंडम था कि अब वाला रैंडम है? अब वाला रैंडम है ना। पहले एक पार्टिकल के पास एक ही तरह का पार्टिकल, अब एक पार्टिकल के पास दो पॉसिबिलिटी होगी। अगर तीन लेयर आती, मान लो एक राजमा की लेयर भी आती, तो तीन पॉसिबिलिटी होती, रैंडमनेस और भी ज्यादा। पर जब पहले आपने दो सॉलिड्स को अलग अलग रखा था तो उनकी रैंडमनेस कम थी, जब दोनों को मिक्स कर दिया तो रैंडमनेस पहले से, यानी अगर आप मिक्सिंग करते हैं, मिक्सिंग करते हैं सॉलिड प्लस सॉलिड, बताओ एंट्रोपी पर क्या प्रभाव पड़ता है? दो सॉलिड्स को मिक्स करेंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी, ऐसे ही बेटा दो लिक्विड को मिक्स करेंगे तो भी एंट्रोपी, और दो गैसेस को मिक्स करेंगे तो भी एंट्रोपी तो बढ़ेगी ही, मिक्सिंग करने पर एंट्रोपी बढ़ती है। और एक इसमें लास्ट आता है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। एक केमिकल रिएक्शन देखो, जैसे रिएक्शन है मान लो CaCO3, सॉलिड गिव CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। वैसे तो केमिकल रिएक्शन में एंट्रोपी बढ़ती है कि घटती है डेटा तय करता है, पर अगर मान लो कोई बिल्कुल ही ऑब्वियस सी केमिकल रिएक्शन आ जाए, एक ठोस एक ही जगह वाइब्रेट कर रहा था, उसकी जगह बना एक और ठोस और एक गैस, एक के दो हो गए और दो में से एक पूरे कमरे में दौड़ रहा है, रैंडमनेस पहले से क्या हो गई? तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है? एक केस ये बना दे, एक यहां बना दे, कहीं भी एक केस बना दे और चारों में से बोले किसमें एंट्रोपी बढ़ी या किसमें एंट्रोपी घटी। ऐसे सामान्य ज्ञान वाले क्वेश्चन बनेंगे, इसमें आपको बस अगर इन्फॉर्मेशन पता है तो लॉजिक लगाना है, बहुत टिपिकल केस नहीं बनेगा। टिपिकल केस तो फिर डेटा बेस्ड हो जाएगा, डेटा दे दिया रहेगा तो बता पाएंगे, नहीं तो नहीं बता पाएंगे। पर अगर मान लो एक में टेम्परेचर बढ़ा दिया, एक में प्रेशर बढ़ा दिया, एक में दो सॉलिड मिक्स कर दिए, एक में केमिकल रिएक्शन दे दिया, तो फिर तो आप गैस कर सकते हैं कहाँ एंट्रोपी कम हो रही है, एक ही ऑप्शन होगा एंट्रोपी कम होने वाला, ठीक है? जैसे मान लो एक और रिएक्शन देखो, ट्वाइस ऑफ अमोनिया गैशियस गिव्स N2 गैशियस प्लस थ्राइस ऑफ H2 गैशियस, एंट्रोपी बढ़ रही है कि घट रही है? दो गैसीय मोल से चार गैसीय मोल बन रहे हैं, गैसीय मोल बढ़ेंगे तो एंट्रोपी भी तो बढ़ेगी। क्लियर है कि नहीं है? कितने लोगों को बात समझ में आ गई? मॉड्यूल निकालो, पेज नंबर 219 निकालो। लाए हो ना मॉड्यूल? क्यों नहीं लाए हो? जो लाए हैं वो ठीक है, जो नहीं लाए हैं वो और भी ठीक है। 219 निकालो। लाई क्यों नहीं हो तुम? मैं तो, मुझे मॉड्यूल चाहिए भी नहीं ना, मॉड्यूल ही तो है ये, ठीक है? पेज नंबर 219, 220 और 221 एक बार निगाह लगा लो ऐसे ही, ठीक है? मॉड्यूल लाए हो ना? लाए हो पर निकालना नहीं चाहते, गंदा हो जाएगा ऐसा, किसी और का पार किया हुआ तो नहीं है? पता लग जाएगा, मार पिटाई हो जाएगी यहीं पे।
ऐसे पढ़ना नहीं है, पढ़ा दिया है मैंने सब कुछ आपको, एक बार बस आंखें घुमा लेनी है ऊपर से नीचे, एक मोटा मोटा बांच लेना है उसको भाई कि कुछ है तो नहीं उसके अंदर। नहीं लाया दोनों मॉड्यूल, इतनी अच्छी बात है, नहीं अलग ही मजा। पानी नहीं पी लो, टिफिन तो पक्का लाई होंगी, कुछ लाई नहीं लाई, सबसे पहले बैग में जमता ही वही है, जगह बस्ती किताब रख लेते, नहीं बस्ती चटनी का थैला हाथ में लेके आ जाते हैं। खाना वाना खा लो, पढ़ने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है मॉड्यूल को, है ना, मतलब बता दिया होता ऐसे ही बाकी लोगों को बोल दिया उनकी मन की संतुष्टि के लिए, जो नहीं लाया वो मान लो कि सबने जो पढ़ाया सही पढ़ाया होगा। पढ़ लिया सबने एक बार ना, बोर्ड पे देखिए आगे, इनमें से कुछ भी कॉपी करने जैसा नहीं है। और मॉड्यूल क्यों बचवा रहा हूँ तुमसे फिर मैं, जिसको फोटो खींची फटाफट खींच लो, पता नहीं क्या पढ़ोगे तुम्हें से फोटो खींच के, पर फिर भी लिखना विखना नहीं है, ये सब मॉड्यूल में दे रखा वही तो बताया मैंने। हाँ सब कुछ नहीं है, यही पॉइंट्स है एज इट इज, एक भी लाइन एक्स्ट्रा नहीं उसके अंदर, देखो तो सही ना एक बार। और पढ़ने के लिए क्यों बोला फिर तुमको मैंने, तो फोटो खींच लो घर जाके लिखना, 5 बार लिखना याद हो जाएगा अपने आप। नहीं है तो ऐसे दोस्त रखो जिनके पास फोन है, अरे एक फोटो और एक्स्ट्रा खींच लो उसके लिए, 3 फोटो खींची ना, वेरी गुड, तुम्हारी एक इसकी एक इसके ना, बहुत होशियार हो सारे के सारे, 3 फोटो खींची उसने, अरे और उसकी उसकी वाली सही नहीं आई तो फिर क्या करोगी, उसको क्या दोगी, हाँ भाई सीधे बैठो। अब हम बात करेंगे एंट्रोपी परिवर्तन के कुछ फेमस एग्जाम्पल, पॉपुलर एग्जाम्पल, ठीक है, जिन पे डायरेक्टली एज इट इज एग्जाम्पल पे ही ऐसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है। सीधे बैठो, बोर्ड पे देखो, ये मॉड्यूल में नहीं थे ना तो लिखवा दी, ठीक है, देखो इधर बोर्ड पे देखो, अभी तो एक लाइन और लिखवाएंगे, लाइन लिखो एक और, हेडिंग लिखी क्या एंट्रोपी, जो मॉड्यूल लाए हैं वो मॉड्यूल में ही लिखो और जो नहीं लाए हैं तो फिर वो कॉपी में लिखो, या जो फोटो खींची उसके ऊपर लिख लो, उच्च और निम्न तापमान, उच्च और निम्न तापमान के दो निकायों, उच्च और निम्न तापमान के दो निकायों को समान ऊष्मा देने पर, समान ऊष्मा देने पर दोनों की ही एंट्रोपी बढ़ती है, दोनों की ही एंट्रोपी बढ़ती है। दोनों की ही एंट्रोपी बढ़ती है, कॉमा, अधिक तापमान वाले निकाय की, अधिक तापमान वाले निकाय की एंट्रोपी थोड़ी ही बढ़ती है, अधिक तापमान वाले निकाय की एंट्रोपी थोड़ी ही बढ़ती है, जबकि जबकि कम तापमान वाले निकाय की एंट्रोपी ज्यादा मात्रा से बढ़ती है। समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ गए ना, अब देखो सम फेमस एग्जाम्पल्स ऑफ एंट्रोपी चेंज, फेमस एग्जाम्पल्स ऑफ एंट्रोपी चेंज, इसकी भी एडिंग डालने की जरूरत नहीं है, 6 एग्जाम्पल बोलूंगा, 6 के 6 मॉड्यूल में दे रखे हैं, है ना, वही दे रखे जो मैं बोर्ड पे लिखूंगा, हाँ छठा मैं लिखवा दूंगा, 5 दे रखे मॉड्यूल में,
एक एक्स्ट्रा लिखवाऊंगा, उसको लिख लेना। सीधे बैठे बोर्ड पे देखने की कोशिश करें। अरे क्या हो गया, सीधे बैठी। ये डायरेक्टली इन पे एज इट इज ये लाइन की लाइन पूछी जा सकती है, इसमें भी कोई विशेष नहीं है, ये भी कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड है, इसको भी आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि कार्बन ग्रेफाइट और एंट्रोपी कंपेयर करनी है कार्बन डायमंड की, ज्यादा एंट्रोपी किसकी होगी बताओ। आप स्ट्रक्चर देखते ही समझ सकते हो ना, ग्रेफाइट का रिजिड स्ट्रक्चर है, सॉरी डायमंड का रिजिड स्ट्रक्चर, और ग्रेफाइट का लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है लेयर्ड? कार्बन चार बॉन्ड फॉर्म करता है ना, तीन बॉन्ड अपने ही प्लेन में करता है और चौथा बॉन्ड 90 के एंगल पे करता है, याद है? इसीलिए ग्रेफाइट में सतह बनती है, लेयर्स बनती है, और इसीलिए ग्रेफाइट को उच्च तापमान पर लुब्रिकेंट की तरह काम मिलता है। कोई बात नहीं, पढ़ा है? हाँ, आप स्ट्रक्चर समझ सकते हैं कि ग्रेफाइट थोड़ा सॉफ्ट नेचर का होता है, पेंसिल होती है ना, पेंसिल, पेंसिल से लिख क्यों पाते हैं क्योंकि लेयर है, जब लिखते हैं घसीटते हैं पेंसिल को तो एक एक करके लेयर छूटती जाती है, डायमंड से लिखेंगे तो कॉपी फट जाएगी, है ना? इसीलिए हम अगर कंपेयर करना हो तो बिल्कुल कॉमन सेंस लगाएं, अधिक एंट्रोपी किसकी होगी? ग्रेफाइट की होगी डायमंड से ज्यादा। सेकेंड देखो, कोरोजन, आयरन की रॉड इमेजिन करो कोरोजन के पहले और कोरोजन के बाद में, क्या हो गया? आयरन की रॉड इमेजिन करो कोरोजन के पहले और कोरोजन के बाद में। कोरोजन के पहले बिल्कुल रिजिड सख्त ठोस एक रॉड है, और जंग लगने के बाद पाउडर बन जाएगा, तो कोरोजन लगने पर एंट्रोपी बढ़ती है कि घटती है? तो कोरोजन से एंट्रोपी बढ़ती है। ये दोनों में से कुछ भी याद करने जैसा है कि चारों का केस दिए होंगे तो पढ़ के पहचान लेंगे, अगर ऑप्शन में कोई केस दिया होगा तो पढ़ के पहचान लेंगे ग्रेफाइट ज्यादा है कि डायमंड ज्यादा है, क्या कोरोजन पे एंट्रोपी बढ़ती है कि घटती है। अगला केस देखो, किसी लवण का जल में घुलना, आपके पास एक चम्मच NH4Cl है, NH4Cl सॉलिड, जब NH4Cl को पानी में घोलोगे तो पहली बात तो वो ठोस से एक्वस जा रहा है, पहले ठोस था वो पूरे पानी में कहीं भी घूम सकता है, दूसरी बात NH4Cl जब पानी में घुलेगा ना तो दो आयन देगा वो NH4+, तो एक के दो हो गए और ठोस से जलीय में चला गया। लवण के पानी में घुलने पर, जलीयोजन पर एंट्रोपी बढ़ती है कि घटती है? ये कोई विशेष बात नहीं है आपको समझने के लिए, बहुत बेसिक सी बात है, अगर लवण का जलयोजन होगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी। चौथा केस देखो, अगर लवण का अवक्षेपण होता है, एक विलयन था AgNO3 का जिसमें Ag+ आयन और NO3- आयन मस्त घूम रहे थे, दूसरा विलयन था NaCl का जिसमें Na+ और Cl- आयन भी अपना अपना घूम रहे हैं, जलीय अवस्था में है, दोनों विलयन को मिला दिया, जो परिणामी विलयन आया ना उसमें AgCl और NaNO3 बने और AgCl का भी अवक्षेपण हो गया। अगर बेटा AgCl का अवक्षेपण हो गया, अवक्षेपण में एंट्रोपी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, पानी में घुलेगा लवण तो एंट्रोपी बढ़ेगी ना, उसी का उल्टा है अवक्षेपण, एंट्रोपी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, उसके बाद बॉइलिंग ऑफ एग, अंडे को उबालने पर, क्या हो गया? दोनों बुराई कर रही हो सविता की, क्या बोला तुमने उसके बारे में? देख लेना अभी लास्ट क्लास के बाद, तुमने नाम तो लिया उसका भी, ज्यादा बीच में बोलती है ऐसा बोला ना तुमने, जवान तेज चलती है उसकी, नाक लंबी, ऐसा हाँ
उन्होंने नाम लिया सही में, नहीं लिया नाम किसी ने, लिया ना नाम। हाँ समझ गया था मैं, सीधे बैठो सीधे, तुम्हारी बुराई कर रही दोनों बैठ के आगे आगे। देखा बॉइलिंग ऑफ एग, अंडे को उबालना। हाँ वही कुछ बोल रही, फिर उल्टा बताऊं क्या बोल रही है, क्या गवार है ऐसा, नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना। सीधे बैठो, दोनों देख रहे हैं दूसरे को भी, है ना। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सीधे बैठो सब लोग। अरे खुल के लड़ो बाहर, दोनों बाहर चल जाओ, सीधे बैठो बोर्ड पे, देखो इधर, बात नहीं करो, फालतू बातें नहीं किया करो क्लास में ना। जब एग को उबालते हैं, अंडे को उबालते हैं, तो क्या होता है, एग में एग प्रोटीन्स होता है जिसको बोलते हैं एग एल्बुमिन। नाम सुना है क्या, सुना सुना लग रहा है ना, इसी साल पढ़ा है क्या। अच्छा ठीक है, सीधे बैठो, सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा था, चलो बर्बादी है बहुत दूर दूर तक, सीधे बैठो। जब एग को आप बॉईल करते हैं तो एग के अंदर होती है लॉन्ग चेन्स होती है प्रोटीन की, क्या होती है, लॉन्ग चेन प्रोटीन्स। जब एग को आप बॉईल करते हैं तो बीइंग एन ऑब्जर्वर, देखने वाले की तरह हमको ऐसा लगता है कि भाई पहले अंडे की अवस्था कैसी थी, वो चिकना चिकना लिक्विड जैसा होता है, और जब एग को बॉईल करते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में आ जाता है, तो लिक्विड से सॉलिड आ रहा है, तो बीइंग एन ऑब्जर्वर हमको ऐसा लगता है कि तरफ से ठोस आ गया, एंट्रोपी घट गई, और आंतरिक रूप से क्या चल रहा है वो देखिए। जब एग को आप बॉईल करते हैं ना तो उसकी जो लॉन्ग चेन प्रोटीन्स की है वो टूट जाती है, एक से बन जाते हैं अनेक, और जब संख्या बढ़ेगी तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी, यानी एग को बॉईल करने पर एंट्रोपी बढ़ती है। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, वेरी गुड। एग को बॉईल करते हैं तो एंट्रोपी बढ़ती है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इसमें आखिर में आता है स्क्रैचिंग ऑफ रबर, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, जो बोली कहते तुम्हारे मन में जो है, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, रबर को खींचने पे, बोर्ड पे देखिए इधर, रबर कैसा होता है, जब रबर खिंचा हुआ नहीं होता, यानी अपनी नॉर्मल अवस्था में होता है, तो रबर एक लॉन्ग कॉइल की तरह है जिसको आपने सिकोड़ के रख दिया है, यानी वो इस तरह की एक रोप की तरह है, इस तरह से एक रबर एक रोप की तरह है, इसको फिलहाल आपने डीकॉइल्ड फॉर्म में या कॉइल्ड फॉर्म में ऐसे रखा हुआ है, और जब इसे खींचेंगे तो ये रस्सी बिल्कुल सीधी हो जाएगी। तो ऑब्जर्वर को क्या लग रहा है कि भैया रबर को खींच रहे हैं तो पार्टिकल दूर दूर जा रहे हैं, तो एंट्रोपी बढ़नी चाहिए, हो क्या रहा है वो देखिए। जब ये ऐसे रबर कॉइल्ड फॉर्म में ना सिकड़ा हुआ है, तो अगर मान लो मैं पार्टिकल्स की नंबरिंग कर देता हूँ, ये एक नंबर, ये दो नंबर है, 1 2 3 नंबरिंग कर दूंगा, तो ये 3 यहाँ हो जाएगा, 4 कहीं यहाँ हो जाएगा, 5 यहाँ, 6 यहाँ, पता लगा 7 8 उधर है, 9 10 यहाँ है, क्योंकि सब कुछ जम्बल्ड है, सब कुछ रैंडम है। जैसे रबड़ को आप सीधा कर देते हैं तो सब कुछ एक सीधी रेखा में सिस्टमेटिक जम जाता है, समझ आया कि नहीं आया। तो पहले जम्बल्ड थे, रैंडम थे, अब सिस्टमेटिक हो गए, तो एंट्रोपी बढ़ गई कि घट गई, घट गई, इसलिए रबड़ को खींचने में एंट्रोपी घट जाती, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बोर्ड पे देखो, डायमंड और ग्रेफाइट, ज्यादा एंट्रोपी किसकी है, ग्रेफाइट की, जंग लगने पर एंट्रोपी बढ़ती है कि घटती है, एंट्रोपी बढ़ती है, ठीक है। लवण जब पानी में घुलेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी, लवण का अवक्षेपण होगा तो घटेगी, अंडे को उबालने पर प्रोटीन्स का डीनेचुरेशन होता है, विकृतिकरण बोलते हैं उसको, इसलिए उसकी एंट्रोपी भी बढ़ेगी, और रबड़ को खींचने पर एंट्रोपी घटती है, समझ आया कि नहीं आया। 6 एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है, ये 5 तो मॉड्यूल में दे रखे हैं, एक कोरोजन वाला नहीं दे रखा, उसको लिख लो आप, ठीक है। ऐसे अगर नील आए मॉड्यूल तो नोट्स लिख लो, फेमस एग्जाम्पल्स ऑफ एंट्रोपी चेंज, समझ आ गया कि नहीं आ गया।
डाउट है किसी को उसमें? नो सर। हाँ केवल एंट्रोपी से स्टेबिलिटी नहीं देखते ना, केवल एंट्रोपी से स्टेबिलिटी नहीं देखते, ये कुछ भी कॉपी करने का इसमें से नहीं है। ये एग्जाम्पल्स भी मॉड्यूल में दे रखे। बोलिए, रबड़ को जब आपने खींचा हुआ नहीं है, ठीक है, ऐसे रस्सी की तरह लिपटा हुआ है वो, ठीक है, उस केस में क्या हो रहा है? उस केस में एक सेकेंड रुको, कल आपकी क्लास 8:15 से स्टार्ट होगी, है ना? सेकेंड लेक्चर से आपकी क्लास स्टार्ट होगी, 8:15 पे स्टार्ट होगा सेकेंड लेक्चर, 8:15 से आपकी क्लास स्टार्ट होगी। हाँ बता दूंगा। अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, कल आपकी क्लास 8:15 से स्टार्ट होगी, ठीक है। अरे टाइम टेबल लगा है, बार चेक कर लेना बोर्ड पे, देखो इधर क्वेश्चन करने, अपने जल्दी घर जाना है कि नहीं जाना है? मकर संक्रांति पतंग उड़ाओगे ना आज? हाँ, रबर वाला एग्जाम बताया था मैं, जब रबर खींचा हुआ नहीं होता है तो मतलब तना हुआ नहीं होता है, तो ऐसे रैंडम ऐसे 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 उलझा उलझा सा रहता है। तो उस केस में मान लो अगर मैं पूरे रबर की खिंचाई की लंबी लेंथ नंबरिंग मार्क कर दूं, तो 1 2 3 4 ऐसे रहेगी, और जब एक कॉइल्ड फॉर्म हो गया तो 4 इधर आ गया, 5 उधर आ गया, सब कुछ कैसा है? रैंडम। खींच जाएगा तो कैसा हो जाएगा? सीक्वेंस में हो जाएगा तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्वेश्चन लिखिए फटाफट, क्वेश्चन करेंगे तभी घर जाएंगे, नहीं तो घर नहीं जाएंगे। कौन सा मौके का फायदा? अभी तो 10 मिनट इस क्लास के बाकी। मौके का फायदा, कोई तुमसे कुछ भी नहीं पूछ रहा है, मत परेशान हो, बार बार एक ही बात है, बेइज्जती करने में मजा आता है क्या? दिमाग मत लगाओ फालतू, है ना? सवाल लिखो पहला, 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 5 मोल गैस, 5 मोल गैस उत्क्रमणीय समतापीय, उत्क्रमणीय समतापीय प्रक्रम में, उत्क्रमणीय समतापीय प्रक्रम में 5 लीटर से प्रसारित होकर, 5 लीटर से प्रसारित होकर 50 लीटर पहुंचती है, 50 लीटर पहुंचती है। एंट्रोपी में परिवर्तन, एंट्रोपी में परिवर्तन कैलोरी प्रति केल्विन में ज्ञात कीजिए, कैलोरी प्रति केल्विन में ज्ञात कीजिए। सर टेम्परेचर बढ़ने पर एंट्रोपी बढ़ता है, तो वाटर की एंट्रोपी 90 डिग्री वाले की ज्यादा है, लेकिन डेल्टा एस 10 डिग्री वाले का ज्यादा होगा, बिल्कुल ऑब्वियस ही बात, ठीक है। जिसका तापमान कम है उसको समान हीट देंगे, उसके एंट्रोपी में ग्रोथ हमको ज्यादा दिखेगी, ठीक है। कितना आ रहा आंसर? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? डेल्टा एस बराबर 2.303 एन आर लॉग V2/V1, ये तो लगाएंगे सीधा फॉर्मूला, सीधा आंसर आएगा 2.303 × 5 × 2 लॉग 50/5 लॉग 10 मन हो जाएगा। ये डेल्टा एस का मान आ गया 23.03,
बताओ डेल्टा एस की यूनिट क्या बन जाएगी? डेल्टा एस होता है क्यू बाई टी, यानी ऊपर आएगा जूल पर केल्विन, या फिर कैलोरी पर केल्विन, या फिर जूल पर डिग्री सेल्सियस, या फिर कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। फिलहाल लेंगे क्या? कैलोरी पर केल्विन। क्लियर है कि नहीं? इसके बाद अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक द्रव के वाष्पीकरण की एंट्रोपी परिवर्तन, एक द्रव के वाष्पीकरण के एंट्रोपी परिवर्तन का मान, वाष्पीकरण के एंट्रोपी परिवर्तन का मान 200 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन है। 200 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन है, कॉमा, यदि इसके वाष्पीकरण की ऊष्मा, यदि इसके वाष्पीकरण की ऊष्मा साठ किलो जूल प्रति मोल है, 60 किलो जूल प्रति मोल है, तो द्रव का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। वेरी गुड। द्रव का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। एक जूल में और एक किलो जूल में, ये समझ में आ रहा है ना? सबकी वैल्यू 300 केल्विन ही आ रही है। अगला सवाल लिखिए। तो फिर एक ग्राम जल एक ग्राम जल के वाष्पीकरण के लिए, एक ग्राम जल के वाष्पीकरण के लिए 900 जूल ऊष्मा, 900 जूल ऊष्मा की आवश्यकता है। 900 जूल ऊष्मा की आवश्यकता है। पूर्ण विराम। जल के वाष्पीकरण की एंट्रोपी का मान ज्ञात कीजिए। जल के वाष्पीकरण की एंट्रोपी का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको डेल्टा एस वेपराइजेशन चाहिए प्रति मोल, तो उसके लिए डेल्टा एच और टी बॉइलिंग पॉइंट का मान चाहिए। तो जल का बॉइलिंग पॉइंट तो सबको पता है, अलग से क्वेश्चन में देने की जरूरत नहीं है। 373 है ना। डेल्टा एच चाहिए 1 मोल के लिए, डेल्टा एच दे रखा है 1 ग्राम के लिए। तो डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या हो जाएगा? 900 इंटू 18 जूल, यही तो हो जाएगा। और जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 373।
हाँ भाई करो डिवाइड करो। कितना आएगा सॉल्व करने पर? फोर्टी थ्री पॉइंट फोर थ्री जूल पर केल्विन। 43.4 ही आ रहा है आंसर, है ना? डन। अगला सवाल लिखिए। Fe2O3 सॉलिड कॉमा H2 गैस, Fe2O3 सॉलिड कॉमा H2 गैस कॉमा Fe सॉलिड तथा H2O लिक्विड, मैंने चारों बोर्ड पे लिख दी। Fe2O3 सॉलिड कॉमा H2 गैस कॉमा Fe सॉलिड तथा H2O लिक्विड, H2O लिक्विड के एंट्रोपी का मान, की एंट्रोपी का मान क्रमशः 87.4 कॉमा 130.7। पहली बोर्ड पे लिख रहा हूं मैं 87.4 130.7 कॉमा 27.3 27.3 तथा 69.9 जूल प्रति केल्विन है। 69.9 जूल प्रति केल्विन है तो निम्न अभिक्रिया का एंट्रोपी चेंज ज्ञात कीजिए। निम्न अभिक्रिया का एंट्रोपी चेंज ज्ञात कीजिए, डेल्टा एस ज्ञात करना है। कर लो सॉल्व कितना आ रहा है। पता ना कैसे सॉल्व करते हैं केमिकल रिएक्शन को, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है, स्टोइकोमेट्री से मल्टीप्लाई करना है ना। बहुत बढ़िया।
प्लस में कि माइनस में? 11 है, माइनस 215.2 जूल प्रति केल्विन। एक सवाल होमवर्क पे ले जाओ और फिर जाओ, है ना। लिखो, 1 ग्राम आइस को, 1 ग्राम आइस को 273 केल्विन, 273 केल्विन, 1 ग्राम आइस को 273 केल्विन तथा 1 ATM दाब पर, 273 केल्विन तथा 1 ATM दाब पर H2O लिक्विड में, H2O लिक्विड में परिवर्तित करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए या परिवर्तित करने पर, परिवर्तित करने पर एंट्रोपी चेंज ज्ञात कीजिए, परिवर्तित करने पर एंट्रोपी चेंज ज्ञात कीजिए यदि यदि जल के वाष्पीकरण की ऊष्मा, जल के गलन की ऊष्मा, जल के गलन की ऊष्मा 6 किलो जूल प्रति मोल है, जल के गलन की ऊष्मा 6 किलो जूल प्रति मोल है, ठीक है। जो क्वेश्चन क्लास में कराया उसी का रिवर्स दे रखा है, आराम से बाहर बिल्कुल मिलूंगा मैं, है ना। तो बाहर देख लेंगे क्या आप, ठीक है, बाकी बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास। ओके, जय हिंद। ऑनलाइन वाले बच्चों को भी जय हिंद कर दूं, ऑनलाइन वाले बच्चों को भी भैया जय हिंद।